मरा आदमी कहे तैर जाता है, छोटे छोटे बुलबुले बन जाएंगे, वो सीधे ऊपर आ जाएंगे। मरा हुआ शरीर तुरंत नहीं तैर जाता है, आराम से तैर गया। ऐसा नहीं मरा घपाक से चला गया ऊपर, वो फिल्मों में होता है। पानी का जब हम 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी का भार नापेंगे तो कितना आएगा? पानी का घनत्व 1 ग्राम, पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम अपने बॉडी का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं? बॉडी का। किसका देखेंगे? बॉडी का। बॉडी का होता है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का घनत्व तो कितना ज्यादा? 0.1। अब हम तैरते हैं तीन हिसाब से। एक पृष्ठ तनाव हम लोग पे लागू नहीं हो, अब लागू होगा आर्कमिडीज। तो ऐसे ऐसे मारना है तो आर्कमिडीज। अब मान के चलिए हाथ पर बांध के फेंक दिया तो तब एक के रास्ता बच गया घनत्व। अब ससुरा पानी का घनत्व तो कम, और शरीर का घनत्व तो, शरीर का घनत्व तो ज्यादा। बांध के फेंक दिया तो डूब जाएंगे, बांध के फेंक दिया तो डूब जाएंगे। तीनों तरह पर तैरवे करेंगे, या तो दो को में मेहनत नहीं है, पृष्ठ तनाव में मेहनत नहीं है और घनत्व में मेहनत नहीं है, लेकिन आर्कमिडीज वाले में मेहनत। हाथवा पैरवा बांध दिया तो आप चल जाएंगे, लेकिन देखिए ना कितना कम की वजह से डूब रहे हैं, 0.1। हमारा घनत्व 0.1 ज्यादा है बस। पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अशरीर का 1.1, तनी सा बस क्या है ज्यादा, 0.01 होता है, 0.1 भी नहीं होता, 0.01 होता है, बहुत कम होता है। कितना कम के वजह से हम लोग डूबते हैं। अब डूब जाएंगे तो आदमी का शरीर नीचे चल जाएगा, मर जाएगा। मरने के 2 दिन बाद क्या होगा? शरीर तो मर जाता है, शरीर के अंदर क्या है? बैक्टीरिया है, सब छोटी आंत में बैक्टीरिया है, बहुत सारे हमारे शरीर में बैक्टीरिया है जो खाना को खा के खत्म कर देते हैं। उन सब को क्या पता कि ससुरा मर गया है, वो तो है अंदर। अब वो अंदर से खाना चालू करेंगे, सब खाना पीना अतड़ी उतड़ी खाना चालू करेंगे। वो बैक्टीरिया अमोनिया गैस निकालेंगे, वो बैक्टीरिया CO2 गैस निकालेंगे, वो बैक्टीरिया मीथेन गैस निकालेंगे। अब वो गैस शरीर के अंदर रहेगा, जिंदा रहता तब ना उसको सांस के रास्ते फेंक देता, ढेकार देता, जो अमोनिया बाहर चल जो। नहीं समझ में आया? जिंदे नहीं है वो, मर गया है, और शरीर उसका पानी के अंदर है। अब उसके अंदर वो गैस बनाना चालू करेंगे, मीथेन बनेगा, अमोनिया बनेगा, और अब ये गैस कहाँ रह जाएगा? शरीर के अंदर। अब जब शरीर के अंदर गैस बनेगा तो शरीर के अंदर छोटे छोटे बुलबुले बन जाएंगे, और वो शरीर के घनत्व तो कर देंगे 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हो गया मृत शरीर। क्या हो गया? मृत शरीर। बताइए, मृत शरीर पानी से हल्का हो गया, उसका घनत्व तो कम हो गया। अब वो सीधे ऊपर आ जाएगा, इस आराम से तैर गया। समझ में गया? तो हम मरा हुआ शरीर तुरंत नहीं तैर जाता है, 1-2 दिन सड़ता है तुरंत ना। ऐसा नहीं कि मरा घपाक से चला गया ऊपर, वो फिल्मों में होता है, ऐसे देख डुबा देगा, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मरने को तुरंत तैरने लगता है, वो फिल्में में होता है बस। इतना जल्दी अमोनिया बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, इतना जल्दी थोड़ी बनेगा, थोड़ा सा क्या होगा, टाइम लगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो 0.1 के वजह से डूबा था, अब 0.1 के कारण ही ऊपर आ गया। तनी सा का फासला है, थोड़ा सा का फासला है तैरने में और डूबने में। बहुत लोगों को घमंड होता है जिंदगी का, और डूब जाता है और लास्ट तैर के दिखा देता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए बहुत लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। किसी को दिक्कत? तो तीन तरह से हम तैर सकते हैं। पहला पृष्ठ तनाव, आर्कमिडीज और घनत्व। पृष्ठ तनाव में तो छोटका चीज तैरता, हम लोग के तो भाई बस का है नहीं पृष्ठ तनाव। अच्छा, हम पारा में कूद जाए तो डूबेंगे? अरे भैया, पारा में कहां से डूबने वाले हैं, ये पारा कितना, ये रहा पारा, पारा में डूबेंगे ना, आराम से तैरेंगे। पारा का 13 है, हमारा 1.1 है, दौड़ जाएगा ससुरा पारा पे आदमी, यहाँ पे उसे घोट जाएंगे तो मर जाएंगे, मिनी माता होता है। सोना में तैर जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि सोना को पिघलाने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा,
तैरे के चक्कर में मरिए जाएंगे। यही एक पारा है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में मिल जाता है। तैरने के लिए तो हम शीशा में भी तैर जाएंगे, लेकिन शीशा को पिघलाएंगे तब ना घनत्व 11 हो जाएगा, तो घनत्व के हिसाब से तैर जाएंगे, लेकिन उसका टेम्परेचर हो जाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस, मर जाएंगे उसमें तुरंत यहाँ पे। तो उसमें तैरने का तैर जाएंगे लेकिन टेम्परेचर की वजह से मर जाएंगे। लेकिन पारा क्या है, वो तो रूम टेम्परेचर मतलब 2700 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या रहता है, लिक्विड रहता है, नहीं तैर जाएंगे जी, इजी तैर जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया?